हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समित एंड वेलकम टू एडीटेक। दोस्तों, आज के एडीटेक न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को दिन भर के कुछ इम्पोर्टेंट टेक से रिलेटेड, स्मार्टफोन से रिलेटेड न्यूज़ को बताता हूँ। तो पहले न्यूज़ की बात करूँ तो ओप्पो की कंपनी कल अपना नया फ़ोन ओप्पो R17 प्रो को लॉन्च करेगी अमेजोन पे। लेकिन सोर्सेज के थ्रू पता चला है कि ओप्पो की कंपनी जल्दी अपने आर सीरीज़ के दो नए फ़ोन को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि है ओप्पो R17 और RX17 नियो करके। ये फ़ोन जो है फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल किए जा सकते हैं, जो कि इसी महीने या फिर नेक्स्ट महीने में लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ओप्पो R17 और RX17 नियो स्मार्टफोन ऑफिशियली चाइना में अगस्त के महीने में लॉन्च हो चुके हैं। जिसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो दोनों फ़ोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, इन द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। आपको ओप्पो R17 में जो है स्नैपड्रैगन 670 का चिपसेट मिलता है, तो ओप्पो RX नियो में आपको जो है स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है। आपको इसमें 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है ड्यूल रियर कैमरे के साथ, तो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो देखते हैं ये दोनों फ़ोन इंडिया में कब लॉन्च होते हैं और किस प्राइस रेंज में ओप्पो की कंपनी से इंडिया में लॉन्च करती है। अगले न्यूज़ की बात करूँ तो मीजू की कंपनी जल्दी अपना नया फ़ोन मीजू 16th को इंडिया में लॉन्च करेगी, जिसमें इन्होंने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया कि बेजललेस स्क्रीन के साथ ये फ़ोन होने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मीजू की कंपनी मीजू 16th को लॉन्च करेगी, जो कि ऑफिशियली अगस्त के महीने में ही चाइना में लॉन्च हो चुका है। ये जो लाइव इवेंट रहेगा, इसको आप जो है फेसबुक या यूट्यूब पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को मीजू 16 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो इस फ़ोन में आपको 6 इंच का फुल HD प्लस बेजललेस डिस्प्ले मिलता है, और डिस्प्ले जो है वो सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है। इसमें आपको इन द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट मिलता है, 8GB का रैम मिलता है, तो 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फ़ोन में आपको 12+20 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, तो आपको इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। आपको इसमें USB टाइप सी पोर्ट के साथ 3010mAh की बैटरी, तो 24W का फास्ट चार्जिंग का टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो देखते हैं मीजू की कंपनी इस फ़ोन को किस प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च करती है। दोस्तों, जियो ने जियो और सावन के कंबाइन से एक नया एप्लीकेशन जियो सावन को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जो कि फिलहाल iOS पे लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि यह एप्लीकेशन जल्दी एंड्रॉइड यूजर्स को भी यूज़ करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको अगर जियो यूजर्स है तो आपको 90 डेज का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपको प्रीमियम सावन प्रो का जो है सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे तो ये एप्लीकेशन मिल चुका है। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र है, अगर आप जियो यूज़र है, तो आप जो है JioSaavn एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके प्रीमियम फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट का फिर से बिग शॉपिंग डे सेल्स दिसंबर 6 से स्टार्ट होगा, जो कि 3 दिन रहेगा, 6 से 8 तारीख तक, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे अच्छे खासे डील्स एंड ऑफर्स मिलेंगे। इस डेज में जो है खासकर स्मार्टफोन्स पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑफर्स रहने वाले हैं, जिसमें Xiaomi के पोको F1 फोन पे जो आपको 5000 रुपीस का जो डिस्काउंट मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया रहेगा। इसमें आपको और भी कई सारे स्मार्टफोन पे अच्छे खासे डील्स मिलेंगे, जिसपे मैं जो है स्पेशल डेडिकेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। डील जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, तो मैं आप लोगों को 5 दिसंबर को इस शॉपिंग डे से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से स्मार्टफोन्स जो है आपको बाय करने चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन्स पे आपको अच्छे खासे डील्स एंड ऑफर्स मिलेंगे। दोस्तों, Vivo Nex 1 में आपको जो है पॉपअप फ्रंट कैमरा मिल रहा था और बेजललेस डिस्प्ले मिल रहा था, लेकिन Vivo Nex 2 में आपको जो है ट्रू बेजललेस डिस्प्ले वाला फ़ोन मिलेगा, जिसका जो है ऑफिशियली टीज़र इन्होंने चाइना के वेबसाइट पर छोड़ा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, Vivo Nex 2 में आपको जो है ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन में आपको ड्यूल डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी मिलेगी। फ्रंट में तो आपको इसमें बेजललेस डिस्प्ले मिलेगा, जिसपे आपको ना तो नॉच मिलेगा, ना तो आपको कुछ भी बेजल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बैक पैनल पे यानी रियर पैनल पे भी एक डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें आप जो है फ्रंट कैमरे के तौर पर जो है रियर कैमरे से ही फोटो कैप्चर कर पाओगे। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी काफ़ी सही है, मैं इसे जो देखना चाहूँगा कि ये फ़ोन कैसा काम करेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्यूल डिस्प्ले वाली टेक्नोलॉजी इससे पहले जो नूबिया की कंपनी ने नूबिया एक्स फोन में भी लेकर आई थी। दोस्तों, कुछ दिन पहले पता चला था कि सैमसंग की कंपनी इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले पे काम कर रही है, जिसमें आपको डिस्प्ले पे एक छोटा सा फ्रंट कैमरे की तरफ होल मिलेगा और पूरा डिस्प्ले जो है बेजललेस डिस्प्ले होगा, जिसपे आपको ना तो बेजल मिलेंगे ना तो नॉच मिलेंगे, और जो डिस्प्ले होगा वो कमाल का होने वाला है। ये फोन जो है जल्दी लॉन्च होने वाला था, दिसंबर के महीने में लॉन्च होने वाला था, लेकिन Huawei की कंपनी ने एक टीजर पोस्टर छोड़ा है, जिसमें इसी तरह का डिस्प्ले मिल रहा है
जिसका नाम है नोवा 4, जो कि लॉन्च होगा 17 दिसंबर को। दोस्तों हुआवे नोवा 4 के लिए कुछ लीक न्यूज भी निकल के आए थे, जिसमें आपको बता दूं कि इसी तरह का आपको जो है डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, आपको इसमें फ्लैगशिप लेटेस्ट किरिन 980 का चिपसेट मिलेगा एंड्रॉइड 9 के साथ, आपको इसमें 6GB 8GB रैम वाले वेरियंट होगी और इन द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो सैमसंग से पहले लगता है हुआवे की कंपनी इस डिस्प्ले वाले फोन को लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों आज का टेक न्यूज अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एडीटेक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज का टेक न्यूज आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।